एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 एग्जाम डेट। नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 का एग्जाम कब तक होगा और कितना समय आपका अब लगने वाला है, साथ ही दोस्तों सिलेबस के हिसाब से कैसे आपको तैयारी करनी होगी ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और कितना लंबा अभी आपको इंतजार करना होगा एग्जाम को लेकर, इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि कौन से महीने में आपका एग्जाम होने के पूरे चांसेज है। तो दोस्तों इसको लेकर पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे आने वाली एसएससी जीडी कांस्टेबल के जो रिगार्डिंग है आपको हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। अब दोस्तों अगर बात करें तो आपका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन था वो 25 मार्च को आने वाला था और दोस्तों जो आपका एग्जाम था जो कि एसएससी की जो पहले के जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें जो आपकी एग्जाम डेट दे रखी थी वो 2 अगस्त के लगभग दे रखी थी, लेकिन दोस्तों अभी आपका जो नोटिफिकेशन है वो भी काफ़ी डिले हुआ है और नोटिफिकेशन भी अगर बात करें तो अभी अगस्त तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर बात करें तो यहाँ पर एसएससी सीजीएल 10+2 सीएचएसएल आपका एमटीएस जैसे बड़े एग्जाम भी अभी होने बाकी है। ऐसे में अगर बात करें तो कब तक आपका एग्जाम होगा तो इसको लेकर मैं बताए, उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी बता देता हूं। अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो चाकसू पब्लिकेशन की तरफ से एसएससी जीडी कांस्टेबल के पैटर्न के हिसाब से काफ़ी अच्छी बुक मार्केट में आ चुकी है। दोस्तों ये बुक है वो काफ़ी अच्छी है और आपके सिलेबस के हिसाब से, साथ ही जो न्यू एग्जाम पैटर्न है जिसमें आपके नेगेटिव मार्किंग भी शामिल की गई है उसी हिसाब से आपके जो पेपर का लेवल बनाया गया, साथ ही आपको 2 सोलोड पेपर भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं जो कि 2018-19 की एसएससी जीडी में पूछे गए पेपर होंगे। साथ ही दोस्तों 2800 प्लस आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको मिलने वाले, काफ़ी अच्छी बुक है और ये बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी। साथ ही अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ जाके भी आप इसे खरीद सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों आपके एग्जाम डेट की तो अभी आपका जो सबसे बड़ा एग्जाम है जिसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट भाग लेने वाले हैं जो कि 10th लेवल का आपका एसएससी एमटीएस उसका एग्जाम भी होना है। अगर बात करें तो आपको कम से कम अगर मान के चले तो 4 महीने का समय आपको और मिल सकता है। अगर तीसरी लहर नहीं आई तो, अगर तीसरी लहर आती है तो आपका एग्जाम 2022 में चला जाएगा, लेकिन इसी प्रकार सिचुएशन सामान्य रही तो आपका एग्जाम है वो नवंबर या फिर दिसंबर में आपका एग्जाम है वो होने के पूरे चांसेज है। तो दोस्तों ये बीच का समय ही आपके लिए काफ़ी कीमती है और इसी समय में अगर आप सिलेबस के हिसाब से तैयारी करते हैं तो आपके सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलने वाली है। दोस्तों तैयारी करने वाले अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों उन्हीं का सिलेक्शन होता है जो सिलेबस के हिसाब से और जिसको ये पता होता है कि क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें नहीं पढ़ना, उन्हीं अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन होता है। दोस्तों यहाँ पर पूरा सिलेबस आप देख लीजिएगा, साइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि इस बार आपके नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 शामिल की गई है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 ही नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। अगर अलग अलग पार्ट में बात करें तो पार्ट ए में आपके जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आने वाली है जिसमें आपके 25 क्वेश्चन होंगे और 25 ही नंबर का आपका पेपर जो आपके रहने वाली है। साथ ही पार्ट बी की बात करें तो यहाँ पर जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे जो कि 25 क्वेश्चन होंगे और 25 ही नंबर के आपके रहने वाले। उसके साथ ही 25 क्वेश्चन आपके एलिमेंट्री मैथामेटिक्स के होंगे जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 25 ही नंबर का रहने वाला है। इंग्लिश और हिंदी के भी 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर का होगा और दोनों में से एक लैंग्वेज आपको करनी होगी। समय की बात करें तो समय आपको 90 मिनट का दिया जाएगा। अगर आप अलग अलग सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं तो ये भी आप देख सकते हैं, साइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ ही दोस्तों आप सभी के लिए चाकसू पब्लिकेशन की तरफ से एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस वर्कबुक भी मार्केट में आ चुका है। दोस्तों इस प्रैक्टिस वर्कबुक की खास बात यह है कि इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, साथ ही आपको 8 सोलोड पेपर मिलेंगे जो कि 2011 से लेकर 2018-19 की एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन भी होंगे। साथ ही 20 आपको अलग से न्यू एग्जाम पैटर्न के हिसाब से 20 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले, साथ ही 3200 प्लस आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपको मिलने वाले। ये बुक अगर आप मार्केट से खरीदना चाहते हैं तो मार्केट में भी दोस्तों ये बुक उपलब्ध है, साथ ही आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे आने वाली हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।